मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, ये बताइए, डू यू हैव फ्रेंड्स? आपके दोस्त तो होंगे ना, जो आपके साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और आपके साथ स्कूल भी आते हैं। आपको मजा आता है ना अपने फ्रेंड्स के साथ? और सोचिए, फ्रेंड्स के बिना कैसा लगेगा आपको? स्कूल में अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ एक एलिफेंट की स्टोरी, जिसका कोई फ्रेंड ही नहीं था तो वो बहुत उदास रहता था। Once upon a time, एक जंगल में एक एलिफेंट रहता था। मैम, हाथी तो बहुत बड़ा होता है ना? Yes children, elephant is a big animal. लेकिन पता है, इस एलिफेंट का कोई फ्रेंड नहीं था। दिन भर मुंह लटकाए बैठा रहता था। He felt very sad. One day, उसकी मॉम ने पूछा, What happened, बेटा? Why are you so sad? Go and play. मम्मा, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। मैं किसके साथ खेलूं? You are so smart and strong. तुम्हारे ears भी तो कितने beautiful and big हैं। If you will try, तुम्हारे ढेर सारे friends बन जाएंगे। Okay मम्मा, आज तो मैं बहुत सारे friends बना लूँगा। Elephant सोचते हुए जा रहा था कि आज तो वो बहुत ढेर सारे friends बनाएगा। ये सोचकर वो जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते उसे एक मंकी मिला। मंकी ब्रदर, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? I do not have any friends. मोटू एलिफेंट, you are so fat. Look at me. तुम तो मेरी तरह जल्दी से ट्री पर भी नहीं चढ़ पाओगे, ना झूला झूल पाओगे। मैं तुम्हें अपना फ्रेंड कैसे बना सकता हूँ? ये सुनकर बेचारे एलिफेंट का मुंह लटक गया। एलिफेंट और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक रैबिट मिला। उसने सोचा, ये तो मेरा फ्रेंड जरूर बन जाएगा। चलो इससे पूछ के देखते हैं। Will you be my friend, cute rabbit? Elephant brother, look at me. I can run so fast. आप तो मेरी तरह फास्ट रन भी नहीं कर पाओगे। So I can't be your friend. बेचारा एलिफेंट टायर्ड हो गया, बहुत थक गया और पानी पीने के लिए एक पॉन्ड के पास पहुंचा। वहां उसे एक फ्रॉग मिला। उसने सोचा, ये तो मेरा फ्रेंड जरूर बन जाएगा। चलो इससे पूछ के देखता हूँ। Will you be my friend? Elephant brother, आप मेरी तरह वाटर एंड लैंड दोनों जगह नहीं रह सकते हैं। आप तो वाटर में स्विम भी नहीं कर सकते हैं। So I can't be your friend. Elephant बहुत sad होकर जंगल से रिटर्न हो रहा था। तभी तक उसने देखा, सारे एनिमल्स इधर उधर भाग रहे हैं। All the animals were running here and there. उसने भागते हुए बेर से पूछा, Bear uncle, why is everybody running here and there? You don't know बेटा, आज टाइगर बहुत एंग्री है। वह सारे एनिमल्स को मार रहा है। सब डर के कारण इधर उधर भाग रहे हैं। टाइगर ब्रदर, Why are you killing these cute animals? तुमसे क्या मतलब?
जाकर अपना काम करो वरना तुम्हें भी मार डालूंगा। एलिफेंट की बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी टाइगर नहीं माना, तो एलिफेंट ने उसे अपनी सूंड यानी ट्रंक में लपेट कर दो बार पटका। टाइगर का होश ठिकाने आ गया। फिर टाइगर ने सारे एनिमल से सॉरी बोला। सॉरी फ्रेंड्स, अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। एट लास्ट सारे एनिमल्स ने कहा, The elephant has saved us from the tiger. He is so brave. आज से हम सब एलिफेंट के फ्रेंड्स हैं। वाओ, आज का डे मेरे लिए बहुत लकी है। आज मेरे इतने सारे फ्रेंड्स जो बन गए हैं। तो बच्चों, जो प्रॉब्लम के समय आपकी हेल्प करे, जो परेशानी में आपका साथ दे, वही आपका ट्रू फ्रेंड है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। तो बच्चों, मजा आया ना स्टोरी में?